इसी को कॉपी करके पावलो पैराग्राफ थ्री पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पैराग्राफ थ्री के बाद यहां पे भी हम लोग इसको दे देते हैं गो टू टॉप। ओके ऑलमोस्ट डन। हम पैराग्राफ वन पे क्लिक टू पे क्लिक करते हैं। चले तो ये टू पे आ गया। गो टू टॉप पे क्लिक करेंगे दोबारा से हमें वहां पे ले गया। पैराग्राफ थ्री पे क्लिक किया तो पैराग्राफ थ्री उसने शो कर दिया। गो टू टॉप पे क्लिक किया तो यहाँ पे ले आया। समझ आ गई बेटे बाप? तो इस तरह से हम लोग विद इन डॉक्यूमेंट विद इन वन पेज हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने वर्क किया है। इसको आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखें, बल्कि इस चीज की। ओके सर, यहाँ पे चीजें नजर आ रही हैं। ये हमने लिंक्स लगाए और यहाँ पे जो है वो अच्छा। इसके लिए जरूरी है कि आप लोग थोड़ी स्पेसेस दीजिएगा या पैराग्राफ्स ज्यादा कॉपी पेस्ट कीजिएगा, ताकि वो ये ना हो कि एक ही स्क्रीन अभी हो, स्क्रॉल करे ना तो आप कहें जी इसका तो इफेक्ट ही नहीं नजर आ रहा है। इफेक्ट तब इफेक्ट आ रहा होता है उसका। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि जब यानी मूव करे वो नीचे तक, जैसे मैंने स्पेसेस खुद से बीच में ज्यादा दे दी ताकि आप लोगों को उसका इफेक्ट नजर आए। तो आप लोग भी ऐसा जितनी ज्यादा ब्रेक होंगी उतना रिजल्ट एक्यूरेट आएगा, ज्यादा अच्छा आएगा। नहीं, एक्यूरेसी वैसे भी होती है। मैं ये कहने का मेरा ये मतलब है बेटे कि फर्स्ट करे पैराग्राफ वन यहाँ पे ही दी होती, इधर ही जहाँ पे मैं माउस को मूव करवा रहा हूँ। तो हम पैराग्राफ वन पे क्लिक भी करेंगे तो आपको वो मूव करती हुई स्क्रीन ही नजर आएगी, यानी जंप नहीं करके लेके जाएगा, बल्कि क्योंकि यहाँ पे हमें शो हो रहा है पैराग्राफ वन तो उसका हमें इफेक्ट नजर नहीं आएगा। एक्चुअली मैं ये पेज लंबा होना चाहिए सर। जी इसी तरह यानी स्क्रोलिंग करता हुआ पेज हमें आए ताकि कंटेंट ज्यादा होना चाहिए। और आमतौर पर यह होता है कंटेंट ज्यादा हो तो तब ही वहां पर यह चीजें यूज होती हैं। और गो टू टॉप का जैसे कि दिया हुआ है इसकी बजाय बटन का भी यूज होता है, यानी बटन दे दिया जाए, आप जैसे ही क्लिक करो उसके ऊपर तो आपको टॉप पे ले जाए, बजाय इसके के स्क्रॉल करता जाए बंदा। और इस तरह से उसको समझ आ रही है ना, यानी पूरा चैप्टर एक हो सकता है। फर्ज करें एक बुक का एक चैप्टर है, आपने पूरा पेज उसका क्रिएट कर दिया हुआ है। अब वो काफी लंबा चौड़ा है, यानी पूरा चैप्टर काफी लंबा चौड़ा है, तो ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट्स दे सकते हैं। लेकिन आपको दोबारा टेबल ऑफ कंटेंट्स पे जाने के लिए फिर क्या करेंगे, स्क्रॉल करते रहेंगे। यानी फर्ज करें हम काफी नीचे चले गए तो क्या उसको स्क्रॉल कर करके टॉप पे जाएंगे फिर दूसरी जगह पे जाने के लिए? नहीं, बल्कि हम लोगों ने क्या किया, वहां पे भी एक लिंक क्रिएट कर दी। क्लियर? जी सर। ओके मैं कोड शो कर रहा हूँ। जी सर, कोड शो कर दो। जी बेटा आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। ये जैसे पैराग्राफ वन पे मैंने लगाया और यहाँ पे इसको डिफाइन किया है, नेम के लिहाज से मैंने डिफाइन किया पैराग्राफ वन और इधर हमने उसका लिंक के तौर पे उसको यूज किया है। जी बेटा प्रैक्टिस कर रहे हैं? जी सर कर रहे हैं। जी सर कर रहे हैं। जी सर। ठीक है। डबल कोट्स क्लोज्ड, एंकर टैग भी क्लोज। तो
यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ईमेल अस, क्लिक टू, क्लिक हियर टू ईमेल अस, चले ये लिख लेते हैं और इसको यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ एंकर टैग को, सेव करेंगे इसको, इसको रिफ्रेश करवाते हैं तो ये आ चुका है जनाब, कंपनी एड्रेस आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएंगे जो भी आप लोग लिखोगे, और यहाँ पे वो कह रहा है क्लिक हियर टू ईमेल अस, तो यही चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे बेसिकली दी हैं, यानी क्लिक हियर टू ईमेल अस। जब हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो कौन सी ईमेल यूज होगी, ये वाली होगी, समझ आ रही है बात? जी सर, जी सर। यहाँ पे याहू भी है, जीमेल भी है, और ये यंडेक्स एक ओपन हो रही है, तो जो भी होगी आपने यहाँ पे उसको चूज करेंगे, ओपन लिंक करेंगे तो मेल जो है वो आपका ओपन हो जाएगा उसके लिए, तो इस तरह से ईमेल की जा सकती है, समझ आ गई है? जी सर। इसको जरा गौर करें और नोट कर लें ये भी लाइन कि कैसे ईमेल एड्रेस दिया गया और एंकर टैग किस चीज के ऊपर लगाया गया। जी बेटा नोट हो गया? यस सर। जी सर। अच्छा अब हम लोग वर्क करने जा रहे हैं, ये जरा स्लाइड पे को भी देख लीजिएगा, ये लिंक्स के मुतालिक थी जो हम लोगों ने किया है, इसमें एंकर टैग का जिक्र है और इसमें लिंक्स की टाइप्स हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है। जी बेटा। सर ये जो नोट्स है ना, ये हमें पीडीएफ तो कर रहे हैं? जी जी आपको मिल जाएंगे बेटा, अभी मैं सिर्फ इस चीज़ का वेट है कि डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों के रिसीव हुए हो रहे हैं ना उधर कॉलेज के अंदर, वो सारे के सारे रिसीव हो जाए मुझे 100, तो वो तकरीबन 4-5 रह गए टोटल, मैं आज इंशाल्लाह आप लोगों के ग्रुप्स क्रिएट कर दूंगा, आप लोगों को मिल जाएंगे ये फिर उसके मुताबिक, ठीक है, LMS के ऊपर मिल जाएंगे। थैंक यू सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? जी सर। ओके। नेक्स्ट है ग्राफिक्स। ग्राफिक्स यानी हम लोग कोई पिक्चर वगैरह इंसर्ट करते हैं, तो पिक्चर जो है बड़ा अहम कंटेंट है हमारा वेबसाइट का, और उससे खूबसूरत बनती है हमारी वेबसाइट, और पिक्चर्स के बगैर समझे कि नामुकम्मल होती है वेबसाइट भी, यानी अकेला टेक्स्ट ही नजर आ रहा हो तो अजीब सा लगता है, उसके साथ साथ अगर पिक्चर्स हों तो उससे जो है वो ज़्यादा बेहतर एक इम्पैक्ट आता है। यहाँ पे देखिएगा वो कहता है टू हैव अ ग्राफिक अपीयर ऑन अ वेब पेज वेब डिजाइनर्स मस्ट टू पुट दी, कौन करता है, वेब डिजाइनर मस्ट टू पुट दी IMG टैग इन विद दी एड्रेस वेयर द ग्राफिक लिव्स, तो जहाँ पे मतलब ग्राफिक जो है वो आपका शो होना होता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं IMG का जो टैग है उसको यूज करते हैं, ये सिंगल टैग होता है और उसके साथ जो एट्रीब्यूट यूज होता है वो SRC यानी सोर्स का यूज होता है, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, जैसे नीचे एग्जांपल दी हुई है, यानी ये एग्जांपल दी हुई है उसने किसी यानी वेबसाइट का URL समेत उसने एग्जांपल दी हुई है, इसके मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स होते हैं ग्राफिक के, इसमें फिलहाल जो है मेरा ख्याल है कि ग्राफिक को हम लोग लगाते हैं और जो एट्रीब्यूट्स हैं इनको कल इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे डिटेल के साथ, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं और टेबल्स को भी कल हम लोग टच करेंगे, फिलहाल मैं आप लोगों को ग्राफिक्स जो है वो अटैच करना बता देता हूँ।
फर्ज करें यहाँ पे हमारे पास जिधर हमारे पास पड़ी हुई है ये HTML की फाइल्स, यहाँ पे ही हम कोई पिक्चर रख लेते हैं, सेम फोल्डर के अंदर रखनी है, यानी जहाँ पे आपकी फाइल होगी जिसमें एक्सेस करना है उसके अंदर भी आप रख सकते हैं, या यहाँ पे एक मैं फोल्डर क्रिएट कर लूँगा उसके अंदर भी मैं बताता हूँ कि कैसे आप लोगों ने उसको यूज़ करना है। फिलहाल हम लोग ऐसा करते हैं कि कोई भी इमेजेस कॉपी करते हैं यहाँ से, और फर्ज करें कि ये हमारे पास है, इसको सेव इमेज एज मैं करने जा रहा हूँ। पूछ रहा है, इसका नेम पूछ रहा है, तो हम लोग इसको सेव करेंगे एग्जैक्टली उसी जगह पे जहाँ पे हमारी HTML फाइल्स पड़ी हुई है। इसका नाम मैं रख लेता हूँ पिक्चर वन रख लेते हैं, या कोई भी आप लोग नाम रख सकते हैं, पिक्चर इसका नाम रख लीजिए। अच्छा, अब इसकी एक्सटेंशन जो है वो JPEG है, यानी JPEG है, ये इमेज जो है टाइप है वो JPEG है। इसको सेव करवा लेते हैं और लोकेशन पे जाके जैसे ही आप लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे पिक्चर के नाम की ये पिक्चर आ चुकी है और इसकी एक्सटेंशन है JPG। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। जी सर। अच्छा, अब इसको मैं होम पेज में लगाऊंगा और होम पेज के अंदर हम लोग जहाँ पे ये वाले दिखे हुए हैं, हमने जो पैराग्राफ 1, 2, 3 इनके नीचे इनसे ऊपर हम लोग स्टार्ट पे देंगे, पिक्चर को शो करना चाह रहे, तो क्या करेंगे, IMG अब इसको जो है वो इस तरह से भी स्मॉल करेक्टर्स में भी लिख सकते हैं या कैपिटल्स में भी इसको लिखा जा सकता है, IMG को SRC सोर्स इक्वल टू, क्योंकि फाइल वहां पे ही पड़ी हुई है, फाइल का नाम है पिक्चर डॉट JPG, उसकी एक्सटेंशन है JPG, डबल कोट्स क्लोज्ड एंड दैट्स इट, इतना ही काम है। ये करेंगे और एक मैं ब्रेक जो है वो अप्लाई कर देता हूँ, ताकि दो ब्रेक्स दे देते हैं ताकि नीचे वाला जो है वो डिस्टिंक्शन आ जाए। अब होम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर भी उसने यहाँ पे शो कर दी है। समझ आ रही बात? जी सर। अच्छा, इसको सेंटर लाइन करना है तो अगेन वही आप लोग सेंटर का टैग यूज करके इसको सेंटर लाइन कर सकते हैं। बाकी इसको ये है इसका ओरिजिनल साइज, आप इसके जो हाइट वेट वगैरह सारी चीजें चेंज कर सकते हैं, जैसा मैंने बोला कि इसमें हमारे पास बहुत सारे जो एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं, जैसे अल्टरनेटिव टेक्स्ट है, वेट है, हाइट है, बॉर्डर दे सकते हैं, हॉरिजॉन्टल स्पेस दी जा सकती है, वर्टिकल स्पेस दी जा सकती है, और अलाइनमेंट की जा सकती है, यानी अलाइनमेंट भी आप इसी के अंदर ही कर सकते हैं। तो इसको हम लोग इंशाल्लाह कल देखेंगे बेटा, फिलहाल काफी इतना, या मैं अभी ये करवा दूं? सर टॉप वाला दोबारा बताना, गो टू टॉप वाला। यस सर। जी सर। जी सर, वो बता दें। अच्छा, देखो गो टू टॉप वाले पे हमने क्या किया, ये मैंने वो पॉइंट लगा दिया, इसका नाम रखा नेम इक्वल टू टॉप, और इसके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं दिया, ये सबसे बॉडी के फौरन बाद मैंने इसको क्रिएट कर दिया है। एक तो ये चीज ज़हन में रख ले, इसका नाम ही हमने टॉप रख लिया, पता है ना, जो भी पॉइंट आप लोगों ने बनाना है पहले उसको उस जगह पे क्रिएट करना पड़ेगा जहां पे वो जंप करके जाए। ठीक हो गया सर। वो पॉइंट हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, यानी बॉडी के फौरन बाद के पेज से के टॉप पे चला जाए, यानी स्टार्ट पे, ये हमने उसको क्रिएट कर लिया। सिंपली फिर क्या किया, इसका नाम रखा है यहाँ पे टॉप,
सिंपली क्या किया, हमने कहा कि ये पैराग्राफ है और ये जनाब इसमें है, यानी गो टू टॉप किधर गया जी, ये आ गया गो टू टॉप। हमने सिर्फ लिखा गो टू टॉप, ये लिखा नजर आ रहा है, हमने कहा इसको लिंक दे दिया, कहाँ पे जाए, टॉप पे चला जाए। जैसे गो टू टॉप को क्लिक करें तो कहाँ पे जाए, टॉप पे चला जाए। टॉप कहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है, ये ऊपर हमने डिफाइन किया, समझ आ गई। तो इसी को कॉपी पेस्ट हमने करवा लिया, यानी यही वाला कॉपी किया और इसको हमने यहाँ पे पेस्ट करवा दिया, सेम यही उठाया तो नीचे तक वही पेस्ट कर दिया। पॉइंट एक क्रिएट किया, उसके लिए हमने लिंक जो है तीन जगह पे हमने क्रिएट किए गो टू टॉप के लिए, समझ आइए ना। तो जहां पे भी आप लोग क्लिक करेंगे तो वो ऊपर ले जाएगा आपको, टॉप ऑफ द पेज ले जाएगा आपको। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब आप लोगों ने जो काम करना है, एक तो ये आप लोगों की वेबसाइट इसी तरह से बननी चाहिए। वेबसाइट से मुराद ये है कि जैसे ये वेबसाइट हमारी शो हो रही है, यहाँ पे पैराग्राफ्स भी हैं, यहाँ पे होम पेज के अंदर हमने पिक्चर भी ऐड कर ली है। पिक्चर को ऐड करने का मैंने तरीका बता दिया आप लोगों को कि कैसे करनी है। तो यहाँ पे देखें, ये हमने पिक्चर को ऐड की है, ज़रा गौर करें। बेसिकली ये है IMG SRC, पिक्चर का हमने नाम रखा, नेट से डाउनलोड की थी उसका मैंने नाम रखा, सेव एज करवा लिया था। एक्सटेंशन जो थी उसकी वो JPG है। ये कहाँ से पता चलता है, जहाँ पे हम लोगों ने पिक्चर को सेव किया होता है, ये देखो, यानी ये आप लोगों ने फिलहाल पिक्चर उसी लोकेशन पे सेव करनी जहाँ पे हमारी फाइल पड़ी होगी। तो इधर वो बता रहा है कि एक्सटेंशन क्या, टाइप क्या है इसकी, कौन सी है, JPG फाइल है। तो इधर से पता चल जाता है, आपने जब एक्सटेंशन देनी है इधर, तो आपने उसका नाम दिया डॉट, उसकी एक्सटेंशन दे दी JPG। क्लियर? जैसे HTML में होम कॉन्टैक्ट ऐसे सेम नाम दिए थे, ऐसे ही सेम नाम यहाँ पे लिखना है जी। एग्जैक्टली ठीक है, लेकिन एक्सटेंशन जो है वो पिक्चर के मुताबिक होगी। पिक्चर्स जितनी भी होती है या इमेजेस होते हैं हमारे पास, उनके डिफरेंट एक्सटेंशंस हो सकती हैं। कोई JPG होती है, कोई बिट मैप होती है, BMP हो सकती है, कोई जो है वो GIF होती है, GIF, समझ आ रही है ना बात। तो डिफरेंट टाइप की आपके पास जो है वो इमेजेस होती हैं। आपने ये देखना है कि उसकी एक्सटेंशन क्या है, अगर ना शो हो रही हो तो उसका नाम देखें फाइल का और एक्सटेंशन चेक करें कि कौन सी है। क्योंकि नेट से जब हम लोग डाउनलोड करते हैं तो वो उसका नाम अगर उसको ऐसे ही हम लोग सेव करवा लेंगे तो वो काफ़ी लंबा चौड़ा अपने आप लिहाज से वो उसका नाम रख देता है, या कुछ और भी रख सकता है नाम। तो हम लोगों ने उसको चेंज किया, हमने उसका नाम रख दिया पिक्चर। ठीक है, ठीक है, कोई मसला हो यहाँ तक? चले ठीक है। अब काम जो है वो ज्यादा ज्यादा हो रहा है, नेक्स्ट इंशाल्लाह जैसे ही होगा मजीद हम लोग टेबल्स तक करेंगे, तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी लिटिल बिट टफ जो है वो असाइनमेंट्स शुरू हो जाएंगी। उसके बाद फिर सही वाली असाइनमेंट्स शुरू होंगे, फिर आप लोग फुल टाइम बिजी होंगे। यस सर। ठीक है जी, ठीक हो गया। जी बेटा। सर हमारी पूरी की पूरी लैपटॉप गैलरी में एक ही नाम से कोई पिक्चर्स एक दो भी तो हो सकते हैं, जैसे कोई सपोज अगर डिस्क डी में या सॉरी ड्राइव सी में या डी में यही पिक्चर पड़ी हुई है और यही इसी नेम से किसी और ड्राइव में पड़ी हुई है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये हम यहाँ पे अगर पिक्चर JPG लिखा है तो ये कंसोल सिलेक्ट करेगा? नहीं देखो, अब बात वही आ गई कि हमने जाके पहले लोकेशन पे देखी है कि जो हमारे पास इस लोकेशन पे सेव हमने की है उसकी एक्सटेंशन यहाँ से पता चल रही है। अगर ना पता चले तो आप राइट क्लिक करके भी उसको देख सकते हैं, राइट क्लिक करें और उसकी पिक्चर की जो या फाइल की प्रॉपर्टीज में चले जाएं, तो यहाँ पे आपको उसकी फाइल की टाइप बता देते हैं। मतलब इसकी एक्सटेंशन पे डिपेंड करता है कि कौन सी वाली पिक्चर सेलेक्ट करेगा। जी बिल्कुल। तो अगर ये सेम, हाँ हाँ बोले, सेम जो हो ये भी होम में से करेगा कोई? नहीं 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 नहीं, आप बात नहीं समझे, फिर हमें पूरा पाथ देना पड़ेगा।
मैं उस तरफ जानबूझ के नहीं आया अभी, वही मैंने कहा उसको कल के लिए रख दो। जिस तरह पिक्चर्स में तो ये होता है ना कि वो जो जिस फाइल से हम एक्सेस कर रहे हैं उसी फाइल में पिक्चर्स पड़ी हो, या फिर वो पूरा पास देना पड़ता है अगर वो किसी और फोल्डर में पड़ी हो। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जब हम लोग वेबसाइट क्रिएट करते हैं ना, तो जहाँ पे हमारे आम तौर पे जो फाइलें पड़ी होती हैं वेब की, यानी वेब पेजेस पड़े होते हैं, वहाँ पे हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं वहाँ पे ही। उसका नाम आमतौर पे रखा जाता है इमेजेस, इमेजेस से हमने नाम रख लिया। अब इसी को मैं उठाता हूँ और इसके अंदर मैं पेस्ट करवा देता हूँ। यहाँ से मैंने उठाई है, इमेजेस फोल्डर के अंदर रख दी है, यहाँ पे वो पिक्चर पड़ी हुई है, समझ आ गई। अब मैं जब चूंकि लोकेशन चेंज हो गई है, इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ से वो उसने थोड़ा सा शो कर दिया है कि इधर पिक्चर है, लेकिन उसने पिक्चर शो नहीं की। इट मीन्स कि अब हमें पाथ को चेंज करना पड़ेगा। पाथ कैसे चेंज करेंगे, अब हम लोग जाएंगे यहाँ पे सोर्स के अंदर, तो हमने उसको बताया कि जहाँ पे ये वाली फाइल पड़ी है, यानी होम, ये हमारी होम वाली फाइल है जहाँ ये पड़ी है, इसी के अंदर ये देखिएगा, जहाँ पे होम की हमारी फाइल पड़ी है, ये पेज, इसी के अंदर एक फोल्डर है इमेजेस का। तो अब उसको हम बताएंगे इमेजेस का एक फोल्डर है स्लैश, उसके अंदर जाओ, उसमें ये पिक्चर डॉट जेपीजी पड़ी हुई है, इसको सेव करेंगे। कुछ क्लियर हुई बात? यस सर। जी सर। अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो पिक्चर आ गई है। अब कहां से आई है? इमेजेस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, वहां से हमने उसको एक्सेस करवा लिया। तो इसी तरह से यानी ये तरीकाकार होता है, जहां पे वेबसाइट होती है आपके वेब पेजेस पड़े होते हैं वहां पे हम फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं पिक्चर्स के लिए। अच्छा, अब आप बात कर रहे हैं कि पाथ कोई सी ड्राइव पे पड़ी है, कोई डी पे पड़ी है, तो उसके लिए हमें फिर पूरा पाथ लिखना पड़ेगा। लेकिन ये है कि जैसे ही वेबसाइट को अपलोड करेंगे तो वो उसको तो नहीं पता सी और डी का, उसको नहीं वहां पे पता नहीं चलेगा। तो लिहाजा हमें क्या करना पड़ता है, हम लोग जितने भी हमारी जो पिक्चर्स होती हैं उनको इमेजेस के नाम का फोल्डर बनाते हैं, उसमें कॉपी कर लेते हैं पिक्चर्स, इस तरह से एक्सेस कर लेते हैं। समझ आ गई बात? यस सर। जी सर। सर एक और चीज है सर, जिस तरह से जैसे सपोज हम डिजाइनिंग में यूज करते हैं, मैं गूगल से कोई भी पिक्चर लूं अपने किसी डिजाइन में लगा दूं, वो डिजाइन की सोर्स फाइल में किसी और को सेंड करूंगी ना, तो पिक्चर वो पिक्चर जब उसकी गैलरी में नहीं है तो उसको शो भी नहीं होगी, वो एरिया ब्लैंक हो जाएगा। इसमें अगर हम कोई पिक्चर यूज की है वेबसाइट पर, ये वेबसाइट सपोज मैं ये डॉक्यूमेंट अपना किसी और को दे रही हूँ, उसके पास पिक्चर नहीं है, तो उसके पास शो होगी या नहीं? नहीं होगी। अगर अकेला डॉक्यूमेंट देंगी तो पिक्चर नहीं शो होगी, और अगर हम पूरी वेबसाइट बना के से लिंक देंगे तो फिर होगी शो? फिर होगी, या तो वेबसाइट बना के देंगे या हम इसका पूरा जो है वो जिप बना दें, यानी इमेजेस फोल्डर समेत। ठीक है सर, फाइल बना के दे देते हैं उसको। समझ आ गई बात? जी सर। जी कोई प्रॉब्लम हो, आप लोगों ने अब क्या करना है, अब आप लोगों ने मुख्तलिफ पिक्चर्स लेनी है, उनको इसी तरह से आप लोगों ने देना, अपनी वेबसाइट बनानी है और कंटेंट भी दीजिएगा, यानी इस टाइप का हो के पिक्चर से रेलिवेंट आप लोगों ने कुछ ना कुछ लिखा भी होना चाहिए और साथ साथ पिक्चर्स भी हों, यानी कलरफुल सी और इस तरह से खूबसूरत आप लोगों की वेबसाइट जो है वो दिखनी चाहिए। ठीक हो गया? ठीक हो गया सर। फिर वो आप फेसबुक पे अपलोड करनी है? हाँ जी, आज तक के लिए फेसबुक पे अभी करें, बाकी इंशाल्लाह फिर हम लोग नेक्स्ट में आप लोगों को बता दूंगा। नेक्स्ट आप लोगों ने फेसबुक पे भी किया करना है और असल में LMS के ऊपर आप लोगों ने अपलोड किया करना है। ठीक हो गया? ओके सर। सर इसका स्क्रीनशॉट सेंड करना है या पूरा ये अरेंज करना है? स्क्रीनशॉट आप लोगों ने करना है, बल्कि इस तरह से कीजिएगा, अगर आप समझते हैं कि हमने बड़ा अच्छा काम किया है, आपने फिलहाल स्क्रीनशॉट्स भेजने, बाकी जो है आप ऐसा करेंगे कि कल इंशाल्लाह पॉसिबल है कि चेक भी हो, यानी आते ही हम लोग चेक भी करेंगे कुछ बच्चों से, जो जिनका अच्छा वर्क होगा मैं चेक कर देख लूँगा और उनको मैं कॉल करूँगा कि ये जो बच्चे हैं ये वेबसाइट अपनी चेक भी करवाएं इधर भी।
वो सभी बच्चों के लिए एग्जाम्पल भी होगी, ठीक है? तो आप लोगों ने अच्छा वर्क करने की कोशिश करनी है बेटा। ओके सर, सर वो इमेज वाला कोड एक दफा शो करवा दूं प्लीज। जी मैं करवा देता हूँ, ये है। अब देख लें कि अब मैंने इमेजेस का फोल्डर बनाया हुआ है, ये ना हो कि आप वहां पे पिक्चर को कॉपी कर लें और फिर कहें जी वो तो शो ही नहीं हो रही। समझ आ रही बात? Yes, sir. जी सर। अगर आपने इमेजेस का फोल्डर बना के उसके अंदर फाइल रखनी है तो फिर इस तरह से कोड लिखेंगे, अदरवाइज आप डायरेक्ट फाइल का नाम लिखेंगे और उसकी एक्सटेंशन लिखेंगे, फोल्डर का नाम देने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी जो पिक्चर है सेम उसी लोकेशन पे पड़ी जहां पे आपकी फाइल पड़ी है जिसमें उसको एक्सेस किया जा रहा है। ओके जी सर। कोई प्रॉब्लम हो यहां तक? नहीं सर। सर जी बेटा, ठीक है आप लोग फिर लीव कर सकते हैं जी। फिलहाल लीव कर सकते हैं, असाइनमेंट को कंप्लीट कीजिएगा। अभी आप लोगों को नेट की भी मैं बचत थोड़ी बहुत कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि काम बढ़ता जाना है, जैसे जैसे ये काम इकट्ठा होता जा रहा है ये बढ़ता जा रहा है, हमारा लेक्चर भी बढ़ता जाएगा, ड्यूरेशन बढ़ती जाएगी। ठीक हो गया सर। अस्सलाम वालेकुम। ओके सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। सर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।